वेलकम गाइस, तो आपका स्वागत मैं टू चौंक एजेंडा टेक पर। हम बात करने वाले हैं कि हमें विंडोज़ 10 में एक फीचर दिया जाता है क्विक एक्शन बार के दिया जाता है, तो हम उसे किस प्रकार एडिट करें और हम उस फीचर्स का किस प्रकार यूज कर सकते हैं अपने किसी भी वर्क को जल्दी वर्क करने के लिए। उसका इसी कारण नाम भी पड़ा क्विक एक्शन बार का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दिया गया है क्विक एक्शन बार, तो आप यहाँ पर सिर्फ उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में चीज़ के बारे में जानने वाले हैं कि हम इसे किस प्रकार एडिट करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप नए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाइए इस वीडियोज़ देखने के लिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिए, आपको वहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले चले जाना है यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लेना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको चले जाना सेटिंग पर चले जाना है। और सेटिंग पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, आप सिस्टम पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन होंगे। तो आपको यहाँ पर चले जाना है नोटिफिकेशन एंड एक्शन पर चले जाना है। और आपको यहाँ पर दिया गया क्विक एक्शन का ऑप्शन दिया गया है, तो एडिट योर क्विक एक्शन का ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर किस चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं और किस चीज़ को ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर ऑल सेटिंग का ऑप्शन को रिमूव कर देता हूँ, इस पर क्लिक करके पिन का ऑप्शन दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर नाइट लाइट का भी ऑप्शन दिया गया है, तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा। और यहाँ इस प्रकार आप रिमूव कर सकते हैं, तो आप अपने अनुसार इस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। और इसे आपको ऐड करना है तो आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप नाइट पर जो जिस चीज़ को हमने रिमूव किया तो वो चीज़ यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जब आपका सेटिंग हो जाए तो आपको ऐड करने के बाद आपको डन पर क्लिक कर देना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जिस प्रकार हमने सेटिंग किया तो इस प्रकार यहाँ पर शो होने लगा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पहले वाईफाई का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस प्रकार आप क्विक एक्शन बार को एडिट कर सकते हैं। दोस्तों आपको ऐसी लगी जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पर ज्वाइन इस वीडियो देखने के लिए। हम विंडोज़ 10 से रिलेटेड और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड बहुत सी वीडियोज़ लाते रहते हैं। हमारे चैनल पर कंप्यूटर बहुत इशूज़ के बारे में वीडियोज़ बनाए गए हैं, तो आप चैनल विजिट करके आप उनको देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू ट्रिक्स और वीडियोज़ के साथ।